हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टॉप एवरीथिंग। बॉलीवुड से एक बुरी खबर आ रही है। बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान का दिल का दौरा पड़ने के चलते मौत की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक सरोज खान ने शुक्रवार की दरमियान रात करीब 1:52 पर आखिरी सांस ली। इससे पहले सरोज खान को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद 20 जून को बांद्रा गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका कोरोना वायरस को लेकर टेस्ट भी कराया गया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। परिवार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन अब अचानक बीती रात उनकी तबीयत बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। सरोज खान की निजी जिंदगी की बात करें तो इनका जन्म 22 नवंबर 1948 में मुंबई में हुआ था। इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल की उम्र में इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया था। बाद में 50 के दशक में वे कई बॉलीवुड फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर भी काम किया है। बाद में इन्होंने कोरियोग्राफर बी सोहनलाल से ट्रेनिंग ली और गीता मेरा नाम से कोरियोग्राफर के रूप में अपना करियर शुरू किया। दोस्तों, हमारी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि सरोज खान की आत्मा को शांति मिले।